हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 15 किचन टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो टिप्स नंबर 1 है, अगर चावल जल जाए तो थोड़ी सी लहसुन की कलियों को घी में भूनकर जले हुए चावल के ऊपर डालकर 5 से 7 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर रखें। इससे जले चावल का महक दूर हो जाएगा। टिप्स नंबर 2, पानी में नमक मिलाकर किचन स्लैब साफ करें या पोछा लगाएं। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं। टिप्स नंबर 3, शहद को बर्तन में निकालने से पहले बर्तन में थोड़ा सा तेल लगा लें। इससे शहद बर्तन पर नहीं चिपकेगा। टिप्स नंबर 4, बचे हुए सलाद को मिक्सी में पीस कर पेस्ट बनाएं, फिर आटे में गूंथ कर रोटी या पराठे बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। टिप्स नंबर 5, फिटकरी को पानी में घोलकर स्प्रे बोतल में भर लें। जहाँ जहाँ चूहे दिखते हैं वहाँ इस स्प्रे का छिड़काव करें। फिटकरी की महक से चूहे घर छोड़कर चले जाएंगे। टिप्स नंबर 6, नींबू काटने से पहले नींबू को अपनी हथेली से किचन काउंटर पर रोल करें। ऐसा करने से उन्हें निचोड़ना आसान हो जाएगा और भी ज्यादा निकलेगा। टिप्स नंबर 7, यदि दाल पतली हो जाए तो थोड़ा सा बेसन डालकर उबालने से दाल गाढ़ी हो जाएगी। टिप्स नंबर 8, प्याज को आधा काटकर पानी की कटोरी में डाल दें। ऐसा करने से छिलके भी आसानी से निकल जाएंगे और प्याज काटते समय आंसू भी नहीं आएगा। टिप्स नंबर 9, कटहल को काटने के तुरंत बाद गुनगुने पानी में डाल दें। इससे कटहल काला नहीं पड़ेगा और चिपचिपापन भी खत्म हो जाएगा। टिप्स नंबर 10, लहसुन की चटनी बनाते समय चटनी कूटने के बाद उसमें देसी घी का छौंक लगाकर उसमें थोड़ा सा नींबू का रस और नमक मिलाने से चटनी टेस्टी बनती है। टिप्स नंबर 11, पीले रंग का कद्दू पकने और गलने में समय लेता है, वहीं हरे रंग का कद्दू जल्दी पक जाता है और स्वाद में बहुत ही अच्छा होता है। टिप्स नंबर 12, दूध से पनीर बनाने के लिए नींबू की जगह फिटकरी का इस्तेमाल करने से पनीर अधिक मात्रा में निकलता है। टिप्स नंबर 13, यदि कॉफी बनाते समय कड़वी हो जाए तो उसमें एक चुटकी नमक मिलाने से कड़वाहट खत्म हो जाती है। टिप्स नंबर 14, कच्चे टमाटर को पेपर में लपेटकर चावल की बोरी या डब्बे में डालकर अच्छी तरह से ढककर रखने से 2 से 3 दिन बाद टमाटर पक जाएंगे और लाल हो जाएंगे। टिप्स नंबर 15, कड़ी पत्ते को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए उन्हें सुखाकर एयर टाइट कंटेनर में रखें, या फिर आप चाहें तो इन्हें फ्रीजर में भी स्टोर कर सकते हैं। तो अगर मेरी किचन टिप्स अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए किचन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।